Hello friends, this is Shashank Jain, co-founder of Woodofa Interiors. Welcome back to our channel Woodofa. I hope you are liking our videos. Aur aaj ka hamara topic hai, what is the difference between a wallpaper and the paint? Aksar log mujhse poochte hain ki kaun si cheez achhi hai? Kya hum wallpaper lagaye apne ghar mein ya fir hum paint ki job karaye apne room mein? So aaj main is video mein wo sare tips and advantages share karunga. एक दूसरे आइटम्स के जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. बिफोर आई गो इनटू द वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन देयर प्लीज़. आइए देखते हैं कि हमारे वीडियोस में आपको वॉलपेपर से रिलेटेड और पेंट से रिलेटेड क्या मिलेगा आज. सो पहली टिप मेरी, डिफरेंस इज कस्टमाइजेशन, कि आप वॉलपेपर में ज़्यादा कस्टमाइजेशन करा सकते हैं और पेंट में आपको कस्टमाइज़ करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी. पेंट में थोड़े लिमिटेड कलर्स होते हैं या कुछ मेटालिक टेक्सचर्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो. वेरेज वॉलपेपर के अंदर आप किसी भी वेंडर को बोलो कि एक अच्छा कस्टमाइजेशन करा सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इट ऑन द वॉलपेपर, इवन इफ़ यू वॉन्ट टू प्लेस अ गणेश जी और यू वॉन्ट टू प्लेस अ फुटबॉल or you want to place anything else, you can definitely do that according to your theme of the room or the area. Second difference is aesthetics. चाहे हम paint की बात करें चाहे हम wallpaper की बात करें, दोनों से ही अच्छे aesthetics बनाए जा सकते हैं in the room or in the living area, depending upon आप कितना दिमाग या आपका interior designer कितना effort उसके अंदर डाल रहा है. For example, आप अगर आपको पता है कि आपका फर्नीचर प्लेस्ड कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसके कलर्स कैसे हैं, तो आप पीछे वॉल पे उसी तरीके का मेटालिक कलर या मेटालिक वॉल पेंट यूज़ कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो यूज़ पेस्टल कलर्स, इट विल लुक वेरी नाइस. पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू पुट लॉट ऑफ ब्रेन इन टू इट, तो आप सिंपल काम करें, एक अच्छा सा वॉल पेपर, इतनी सारी कैटलॉग्स हैं उसमें से चूज़ कर लें और डायरेक्टली एक वॉल पे प्लेस कर दें. अगर थोड़ा सा आप और एफर्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला, कस्टमाइजेशन भी करा सकते हैं उस वॉलपेपर की उस पर्टिकुलर एरिया के लिए. तीसरा डिफरेंस ऑफ द एरिया है टाइप्स एंड उसका यूसेज. अगर आपकी किसी भी दीवार पे सीलन आ सकती है या वो एक बाथरूम की वॉल है या वहाँ पर कोई प्लम्बिंग पॉइंट्स हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर बार बार सीलन आती है या आ सकती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर आप पेंट यूज़ करें, वॉलपेपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें. पर अगर आपका यूसेज ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ड्राई वॉल है और आपको लगता है कि वॉलपेपर यूज़ किया जा सकता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं. दोनों के अपने अपने यूसेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं. अगर आपने कुछ वॉल पे मोल्डिंग्स या कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप उनके ऊपर डायरेक्टली पेंट कर दें और डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट और पेस्टल कलर्स अवेलेबल हैं, जिससे कि वो लुक अच्छा बनाया जा सकता है. वहाँ पर आप वॉलपेपर यूज़ ना करें. फोर्थ डिफरेंस इज एक्सपेंस. गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है. अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि वॉलपेपर महंगा है या पेंट महंगा है. वॉलपेपर, एक अच्छा वॉलपेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 2000 रुपीज़ अ रोल एंड गोज़ अप टू 12 से 15,000 रुपये एक रोल तक जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 स्क्वायर फीट कवर करता है. वेर इज़ अ पेंट जॉब विल स्टार्ट फ्रॉम 10 टू 20 रुपीज़ स्क्वायर फीट. तो ऑब्वियसली पेंट ज़्यादा सस्ता होगा एंड वॉलपेपर थोड़ा महंगा होगा, बट दोनों के लुक एंड फील बहुत अलग है. अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव फील देना है, तो आप एक हैवी कॉस्ट में जा सकते हैं, और अगर आपको सिंपल पेस्टल कलर्स प्लेस करने हैं और रूम की थीम अच्छी बन सकती है, तो आप वॉल पेंट भी करा सकते हैं. अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है. ड्यूरेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इधर पेंट और वॉलपेपर. तो मैं दोनों के लिए बोलता हूँ, दोनों ही इक्वली ड्यूरेबल हैं. अगर आपका वर्कमैन अच्छा है, अगर आपका वॉलपेपर जिसने प्लेस किया अगर वो अच्छा वर्कमैन है, तो आपका वॉलपेपर भी ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल होगा. लेट्स से 5 साल से 15 साल के बीच में अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी आ जाती है वॉलपेपर में. सिमिलरली इज़ ऑन द पेंट, तो पेंट भी आपका 5 साल से लेके 15 साल तक अच्छे से चलता है. अगर वहाँ पर सीलन नहीं आई, तो पेंट और लंबे ड्यूरेशन तक भी चल सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईज़ ऑफ एप्लीकेशन. आसान कौन है लगाना और प्लेस करने को? ऑब्वियसली पेंटर्स हमारे पास लोकली अवेलेबल होते हैं, तो आसान है लगाना. वेरेज वॉलपेपर्स के लिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छा वर्कमैन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे वॉलपेपर को प्लेस करने के लिए. डेफिनेटली इफ़ यू आर लिविंग इन अ एरिया जहाँ पर वॉलपेपर के वर्कमैन नहीं है, तो मैं बोलूँगा आप पेंट करा लीजिए. और अगर आपको लगता है नहीं, वी कैन फाइंड अ गुड वर्कमैन फॉर द वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी प्लेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेराइटी. वॉलपेपर के अंदर जितनी वेराइटी है उतनी पेंट्स में नहीं है.
तो दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो पेंट्स अपनी जगह अच्छे हैं जब आपको सटल कलर्स या मॉर्निंग कलर्स या वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करने हैं तो आप पेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटी डालनी है उस रूम के अंदर, कुछ कस्टमाइजेशन डालनी है उस रूम के अंदर, उस लिविंग एरिया के अंदर, तो आपको ज़रूर से वॉलपेपर ही लेना होगा। और नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर बजट ऑल्सो कि वेदर यू वॉन्ट टू टेक द वॉलपेपर और यू वॉन्ट टू टेक द पेंट, सो डिपेंडिंग अपॉन यू आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, और आपको मेरा वीडियो अबाउट वॉलपेपर्स और पेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो मैं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच।